आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि जानबूझकर महंगाई नहीं कर रहे, जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार इमरान खान हैं। ऐवाने वज़ीर-ए-आला में सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान खान ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की सहूलत बंद कर रखी थी। ये सहूलत 1 जुलाई से बहाल कर रहे हैं। कैंसर और दीगर बीमारियों की अद्वियात मुफ्त मिलेंगी। इमरान खान और परवेज इलाही सुन ले, लोगों की खिदमत करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि इमरान और परवेज इलाही की अना हमारे रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। मुश्किल फैसले करके किसी के बिछाए जाल को ना काटा गया तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। ये सियासत नहीं, रियासत को बचाने का सवाल है। उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है तो करें, इंतशार ना फैलाएं। वजीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि इमरान नियाजी ने खुद कुछ बम्बार बनने की कोशिश की तो नून लीग सीसा पिलाई दीवार बन जाएगी। आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि जानबूझकर महंगाई नहीं कर रहे, जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार इमरान खान हैं। ऐवाने वजीर आला में सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान खान ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की सहूलत बंद कर रखी थी। ये सहूलत 1 जुलाई से बहाल कर रहे हैं। कैंसर और दीगर बीमारियों की अद्वियात मुफ्त मिलेंगी। इमरान खान और परवेज इलाही सुन ले, लोगों की खिदमत करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि इमरान और परवेज इलाही की अना हमारे रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। मुश्किल फैसले करके किसी के बिछाए जाल को ना काटा गया तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। ये सियासत नहीं, रियासत को बचाने का सवाल है। उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है तो करें, इंतशार ना फैलाएं। वजीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि इमरान नियाजी ने खुद कुछ बम्बार बनने की कोशिश की तो नून लीग सीसा पिलाई दीवार बन जाएगी।